दोस्तों अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं बीता है कि चीता चीता वाला शोर थमने लगा है और अब विदेश से आए चीतों पर खाने का संकट मंडराने लगा है। जी हाँ, अब खाने को लेकर एक नई राजनीति की शुरुआत हो गई है, नए सियासी पारे की शुरुआत हो गई है, क्योंकि जो विदेश से चीते आए हैं उनको खाने के लिए अब घास फूस तो चाहिए नहीं, उनको तो चाहिए मांस। लेकिन अब जिस तरीके से मांस यानी जो शिकार है वो भेजा गया है कूनो नेशनल पार्क में, उसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है और सीधा सीधा एक विशेष जो है समुदाय उसने कह दिया है मोदी जी से पत्र लिखकर कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इसी तरीके से चीते जो हैं वो मांस को खाते रहेंगे तो जो विशेष समुदाय है उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है और चीतों के सामने सीधा सीधा एक दूसरे जीव को डालकर ये पाप किया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को शिकार के लिए हिरण भेजे जाने की खबर जैसे ही सामने आई वैसे एक नया विवाद, नया बखेड़ा शुरू हो गया। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई ने इस पूरे मामले पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इससे बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत होने की बात है और इससे एक विशेष समुदाय की जो भावनाएं हैं उनकी कद्र पीएम मोदी को भी करनी होगी। इन्होंने साफ कह दिया है यानी अपनी ही सरकार पर उन्होंने ये आरोप लगाया है और केंद्र सरकार से ये मांग की है कि इसको तुरंत रोकना चाहिए, इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। यानी जो हिरण भेजे गए हैं बाड़े में जहां पर चीतों को रखा गया है वहां पर शिकार के लिए, यानी चीता को खाने के लिए चाहिए और वो शिकार करके ही खाता है, तो इसलिए हिरण को वहां पर भेजा गया है शिकार करने के लिए ताकि चीता उसे अपना शिकार बना सके। बस इसी बात को लेकर बिश्नोई समाज पूरी तरीके से अब भड़क गया है। और इसके साथ साथ कहीं तो ये भी खबरें निकल कर सामने आई है कि कई जगहों पर धरना भी दिया गया है, प्रदर्शन भी किया गया है कि ये जो चीते के लिए खाने के लिए हिरण को भेजा गया है वो पूरी तरीके से गलत है। आप एक जो है जाति को बचाने के लिए, एक प्रजाति को बचाने के लिए दूसरे प्रजाति को ऐसे खत्म नहीं कर सकते हैं, दूसरे के मुंह में निवाला बनने के लिए आप हिरण को नहीं भेज सकते हैं, इससे पूरा समाज जो है वो आहत है। आपको बता दें कुलदीप बिश्नोई ने इस पूरे मामले में जांच की मांग करते हुए एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट क्या किया है वो आपकी स्क्रीन पर है। लिखा गया है चीतों के भोजन हेतु चीतल और हिरण भेजने की सूचनाएं आ रही हैं जो अति निंदनीय है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान में विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे हिरणों की प्रजाति और बिश्नोई समाज की भावनाओं को देखते हुए इस मामले की जांच करवाई जाए और अगर ऐसा है तो तुरंत इस पर रोक लगाई जाए। ये जो है कुलदीप बिश्नोई की तरफ से ट्वीट किया गया और केंद्र सरकार से मांग की गई कि जैसे ही ये जो पूरी खबर निकलकर सामने आई, आपको बताया हिरण वाली, तो राजस्थान में ये प्रजाति अब बहुत ही कम बची हुई है, विलुप्त होने की कगार पर। दूसरी तरफ जो है चीता जो 70 साल पहले ही विलुप्त हो चुके थे उनको दोबारा से लाया गया है, लेकिन इनको लाने की वजह से दूसरी प्रजाति विलुप्त नहीं होनी चाहिए और इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, ये कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ कई जो है सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं। इसके आगे बिश्नोई ने क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ट्वीट आपको पढ़ के बता देते हैं। ट्विटर यूजर हैं, इनका नाम है रचना सिंह, ये इनका जो प्रोफाइल लगा हुआ है इसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन इसमें जो है कोई अलग से स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो ट्वीट किया है इन्होंने, एक तस्वीर को ट्वीट किया है जिसमें दोनों तरफ से दो चीता हैं और बीच में एक हिरण जो है उसके गर्दन पर वार कर रहे हैं यानी खाने की कोशिश कर रहे हैं। रचना सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि फिर से वही पुराना इतिहास दोहराया जा रहा है, अपनों को मारने के लिए विदेशियों को बुलाया जा रहा है। ये ट्वीट किया है और इन्होंने इतिहास से इसको जोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की तरफ से ये जो है ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है, एक जो तस्वीर है वो शेयर की है, लिखा क्या है वो पहले आपको बताते हैं फिर तस्वीर फुल स्क्रीन पर आपको देखकर उसमें बताएंगे कि क्या लिखा गया है। लिखा है मोदी सरकार द्वारा लाए गए 8 चीतों के नाम और उन्होंने जो इंडिकेट किया है कि नीचे तस्वीर दी गई है। अब आप ये तस्वीर अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए जिसमें ऊपर मोदी जी की तस्वीर है, लिखा हुआ है मोदी सरकार द्वारा लाए गए 8 चीतों के नाम। सबसे पहला बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिकता, जानलेवा टैक्स, भ्रष्टाचार,
पार्टी के गुंडे और अलग अलग जो है तस्वीरें अलग अलग जगहों पर जो हुई हैं वो इसमें बताया गया है और लिखा है नीचे, और इन्हें भारत की आम जनता पर खुला छोड़ दिया गया है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है और समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से भी एक ट्वीट करते हुए कहा गया है कि दोबारा से वही दौर आया है जब अपनों को मारने के लिए विदेशियों को बुलाया गया है। ये उन्होंने काफ़ी गहरी और अच्छी बात जो बताई है कि इससे भी सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन जो कुलदीप बिश्नोई हैं उन्होंने आगे क्या कहा है वो आपको बताते हैं। और बिश्नोई समाज जो है वो काले हिरण को लेकर इतना ज़्यादा पजेसिव क्यों नज़र आता है, क्यों किसी भी एंगल पर, चाहे आप वो सलमान खान का मामला ले लीजिए, कितना पुराना मामला है काले हिरण का, लेकिन आज भी बिश्नोई समाज जो है उनकी तरफ से सलमान खान को किस नजर से देखा जाता है वो सामने है। और जो गैंगस्टर है उसने तो अब भी जो है दोबारा से प्लान भी अपना बनाया था सलमान खान को मारने का पूरी तरीके से, क्योंकि उन्होंने काला हिरण का जो शिकार किया था उस मामले को लेकर। अब इसमें कैसे धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बिश्नोई समाज के कई संगठनों ने चीतों के बारे में हिरण को भेजे जाने का विरोध खासतौर पर किया है। राजनीतिक दलों ने भी इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में जो है प्रदेश के श्योरपुर स्थित कुरू नेशनल पार्क में जो 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं, अफ्रीका से भूखे पेट आए चीतों की भूख मिटाने के लिए राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ चिड़ीखो वन अभ्यारण से 181 चीतल भेजे जाने की खबर सामने आई है। उधर बिश्नोई समाज जो है वो महासभा अध्यक्ष देवेंद्र भूड़िया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर साफ तौर पर नाराजगी जता दी है कि ऐसा नहीं चलेगा पीएम मोदी जी, इस पर पूरी तरीके से आपको जांच कराने की जरूरत है और सारी चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन हिरण का शिकार जो कराया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। दरअसल बिश्नोई जो समाज है उनकी तरफ से पीएम मोदी को जो पत्र लिखा गया है उसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने आपके नेतृत्व में नामीबिया से लाकर 8 चीतों को हिंदुस्तान के वनों में विलुप्त प्रजाति को पुनर्स्थापित करने के लिए छोड़ा है, लेकिन उनके भोजन के लिए चीतल, हिरण, बाकी कई जो चीजें हैं उनके सीमित दायरे में छोड़ दी गई हैं, उससे बिश्नोई समाज पूरी तरीके से आहत है और इसका विरोध करता है। पत्र में आगे लिखा गया है कि बिश्नोई समाज अपने आराध्य गुरु जगभेश्वर भगवान के बताए सिद्धांतों पर चलते हुए पिछली 5 शताब्दियों से पर्यावरण, प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा कर रहा है। हम विश्व के एकमात्र ऐसा समाज हैं जो वृक्षों और वन्य जीवों के लिए बलिदान देते आए हैं। हमारे 363 शहीदों का उदाहरण सबके सामने है। चीतों की भूख मिटाने के लिए श्योरपुर जिला स्थित कोनू नेशनल पार्क में 181 चीतल छोड़े गए हैं। ये चीतल मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से लाए गए हैं और आपको बता दें कि करीब 74 साल पहले गायब हो चुके चीता की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए जो चीता प्रोजेक्ट बनाया गया है उसके तहत दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से चीते लाए गए और 16 जून को कोनू में तैयारियों का जायजा लेने दक्षिण अफ्रीका नामीबिया के विशेषज्ञ भी आए थे, जिसके बाद ये पूरा जो है प्रोजेक्ट था उसको पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर अंजाम दिया गया और पीएम मोदी ने खुद चीतों को बाड़े में छोड़ा, जिसके बाद अब जो है हिरण को लेकर के आपत्ति जताई गई है बिश्नोई समाज की तरफ से, जो हमने आपको बताया कि वो अपने आराध्य के कहने पर जंगलों की और जो ये जो है जानवर हैं, चाहे वो चीता हो, हिरण हो, बिश्नोई समाज जिसको पूजता है, जो काला हिरण है वो हो, इन सबकी रक्षा के लिए जो है वो इन्होंने कदम उठाया है और साफ तौर पर पीएम मोदी को पत्र लिखकर ये कह दिया है कि हम विश्व में ही एक ऐसे समाज हैं जो इन सभी जीवों की रक्षा करते हैं, वनों को बचाते हैं, वृक्षों को कटने से रोकते हैं, तो ऐसे में पीएम मोदी को हमारी मांग जो है वो जरूर पूरी करनी चाहिए और इस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये गंभीर मुद्दा है। वैसे ये चीज तो हम सभी समझ सकते हैं कि अगर एक प्रजाति को बचाने का प्रयास किया गया है, चीता प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो ऐसे में कहीं उनकी वजह से कोई दूसरी प्रजाति तो विलुप्त नहीं हो रही है, दूसरी प्रजाति तो इस धरती से खत्म नहीं हो रही है, ये भी देखने की जरूरत है। और वाकई इस पर एक पूरी रिपोर्ट जो है वो बनाने की जरूरत है, इस पर कैसे चीता को और दूसरा भोजन दिया जा सकता है ये बताने की जरूरत है, या फिर इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं ये भी बताने की जरूरत है कि कैसे इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग जो जीव हैं या जीव की जगह पर दूसरी चीजें क्या उनके सामने कोई ऑप्शन हो सकता है, ये देखने की जरूरत है। क्योंकि किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जो है अगर सामने आ
बताता है, कोई बताता है कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं, तो आज किस तरीके से उसको लिया जाता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो उम्मीद यही है कि इस पूरे मामले में भी किसी तरीके का एक्शन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जरूर लिया जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। जय।